नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत सारा अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि कक्षा 12th उषा शमशेर बहादुर जी की कविता है। शमशेर बहादुर जी का जन्म 1911 देहरादून में हुआ था। वे प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवाद में क्या होता था, जो कविताएं थी उनमें नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया जाता था, और ये कविता उसका सटीक उदाहरण है। ये कविता पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के आसमान के जो परिवर्तन होते हैं, सूर्योदय से ठीक पहले आसमान में जो परिवर्तन होते हैं, पल पल परिवर्तन होते हैं, उनका बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। वैसे उस दृश्य को देखते तो हम सभी हैं, लेकिन देखकर कुछ हमारे मन में नए विचार नहीं आते हैं। लेकिन कवि ने जब इस दृश्य को देखा तो सिर्फ वो मूक दृष्टा ही नहीं है, यानी चुपचाप इस दृश्य को देखने वाले ही नहीं हैं, बल्कि कविता के रूप में इस दृश्य का सृजन करते हैं, एक सृष्टा भी हैं। और ना सिर्फ इस आसमानी भोर का जो समय है उसे देखकर वो सिर्फ कविता लिखते हैं, बल्कि इसमें एक जीवंत परिवेश का चित्रण करते हैं, कल्पना करते हैं और इस परिवर्तन को गांव की सुबह से जोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता और देखते हैं किस प्रकार से इस कविता को लिखा गया है। उषा, सबसे पहले कविता का शीर्षक देखेंगे। उषा का तात्पर्य सूर्योदय से ठीक पहले का समय। इसके कई पर्यायवाची भी होते हैं, भोर, सवेरा, तड़के, पौ फटना आदि, इस तरह से इसके पर्यायवाची होते हैं। तो सबका मतलब एक ही है, यानी सूर्योदय से ठीक पहले का समय है। तो सूर्योदय से ठीक पहले आसमान कैसा है उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। देखिए यहाँ प्रात का जो नभ था, नभ आसमान का पर्यायवाची है, आसमान के पर्यायवाची भी आपको पता होंगे, गगन, आकाश, व्योम, अंबर आदि। प्रात नभ था यानी अर्ली मॉर्निंग का, उषा के वक्त का जो नभ था, जो आसमान था, बहुत नीला था शंख जैसे, शंख के समान, यानी शंख से प्रातः के नभ को कंपेयर किया है, तुलना की गई है। अब देखिए बोर्ड में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रात नभ को शंख से कंपेयर क्यों किया गया है, शंख से तुलना क्यों की गई है। और यदि 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको 3 पॉइंट्स बताने होते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 2 पॉइंट्स बताएंगे। तो ये तुलना के कारण क्या हैं, वो कारण हम जान लेते हैं कि जो प्रातः नभ होता है यानी सुबह का जो समय होता है, उस समय वातावरण एकदम शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो दोनों में जो समानता है वो पहली समानता है पवित्रता, यानी शंख भी पवित्रता का प्रतीक होता है, मंदिर में रखा जाता है, फूंका जाता है। तो प्रातः जो नभ होता है, प्रातः नभ जो है उसकी तुलना शंख से की गई है, क्योंकि दोनों में ही पवित्रता का गुण है जो समान है। दूसरा है नमी, सुबह के समय वातावरण में नमी होती है उसके कारण, और यहाँ शंख जो है वो पानी से निकलता है, तो पानी से निकलने के कारण उसमें भी नमी को या आर्द्रता को दिखाया गया है, इसलिए दोनों में ये समानता भी है। तीसरा, इसमें रंग साम्य देख सकते हैं हम। प्रातः नभ को बहुत नीला बताया है और शंख के समान बताया, अर्थात नीले रंग के शंख से इसकी तुलना की गई है, इसे कंपेयर किया गया है। तो 3 चीज़ें जो समानता के आधार हैं, एक है रंग साम्य है, एक है नमी और दूसरा है पवित्रता या उज्ज्वलता। आगे कहते हैं कवि, भोर का नभ, ये उषा का ही दूसरा पर्यायवाची। देखिए अभी मैंने आपको पर्यायवाची बताए थे, उसमें भोर बताया था, तो भोर का नभ यानी वही उषा के समय का जो नभ है, आसमान है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है को कवि ने ब्रैकेट में दिखाया है, कोष्टक में दिखाया है, यानी इस बात को स्पष्ट करने के लिए, राख से लीपा हुआ जो चौका है उसे स्पष्ट करने के लिए पंक्ति दी गई है, क्योंकि यदि ये पंक्ति नहीं होती
तो इसका जो अर्थ कवि देना चाहते हैं, जो श्रोताओं को अर्थ लेना चाहिए, वो उचित अर्थ नहीं आ पाता, इसीलिए इस पंक्ति को दिया गया है। कैसे, देखिए, राग से लीपा हुआ चौका, यानी प्रात का जो नभ है, भोर का जो नभ है, उसकी तुलना राग से लीपे हुए चौके से की गई है। वही तीन समानता के कारण यहां हम देखेंगे, राग से लीपा हुआ चौका जब गीला होता है तो उस समय उसका रंग होता है स्लेटी, यानी ग्रे, ग्रे कलर का होता है। सूखने के बाद ये जो चौका सूख जाता है तो ये सफेद रंग का हो जाता है, तो आसमान का रंग और सूखे हुए चौके का रंग मेल नहीं खाता, इसीलिए कवि ने बताया है कि वो गीले चौके से कंपेयर कर रहे हैं, गीले चौके से तुलना कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, राग से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो पहले तो समानता का आधार हो गया रंग सामने, दूसरा जो समानता का आधार है वो आर्द्रता या नमी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रातःकाल वातावरण में नमी होती है, और चूंकि जो चौका है वो गीला ही है तो गीले में तो वैसे ही नमी होनी है, तो ये नमी जो है ये भी इसका आधार है। और तीसरा पवित्रता आ जाएगा। अभी हाल ही जो बोर्ड एग्जाम हुआ था अभी 2021-22 वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भोर का नभ की तुलना कवि ने राग से लीपे हुए चौके से और अभी गीला पड़ा हुआ है ब्रैकेट में आया था, इससे क्यों की है, तो उसके तीन कारण जब बताए थे बच्चों ने, बोर्ड की मार्किंग स्कीम में स्पष्ट रूप से लिखा था कि तीन पॉइंट्स में अंतर यदि बच्चे ने बताया है तो उसे तीन अंक दिए जाएं, पूरे अंक दिए जाएं, पर कुछ बच्चों ने, यानी ज़्यादातर बच्चों ने एक ही बिंदु लिया और उसी को डिस्क्राइब किया, उसी का विस्तृत रूप दिया तो उनको एक नंबर ही मिला, और तीन पॉइंट्स में जिन्होंने डिस्क्राइब किया उनको तीन नंबर मिले। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि तीन नंबर के और दो नंबर के प्रश्न आते हैं, तो हर प्रश्न को दो या तीन नंबर की दृष्टि से देखते हुए, समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है, देखो तुलना हर जगह तुलना है वैसे तो इस कविता में, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि पहले जो आसमान का रंग था बहुत नीला था, सबसे पहले एकदम नीले शंख जैसा बहुत नीला था, उसके बाद आसमान का रंग परिवर्तित हुआ, स्लेटी रंग का हो गया, अब इसके बाद तीसरा रंग जो परिवर्तन होता है वो बहुत काली सिल जरा से, क्योंकि अंधकार है तो एकदम चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है जिससे आसमान भी काले रंग का दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे काली सिल पर, सिल बट्टा होता है बेटा गाँव में जो मसाला पीसने का पत्थर होता है उसको सिल कहते हैं, जिस पे पीसते हैं और जिससे पीसते हैं उसको बट्टा बोलते हैं, तो सिल बट्टा जो होता है, यहाँ काली सिल की कल्पना कवि ने की है कि काली सिल है जिस पे जरा सा लाल केसर मल दिया है। देखिए जरा शब्द लिखा है, ये दो सिमिलर शब्द होते हैं, समान शब्द होते हैं, एक होता है जरा और दूसरा होता है जरा, उच्चारण में भी अंतर है और अर्थ में बहुत अंतर है। जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, ठीक है। तो यहां कवि कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यानी काली सिल है एकदम काला पत्थर है, उस पर केसर, जो कि केसर या रंग आप जानते ही हैं ऑरेंज कलर होता है, तो केसर को जैसे उस सिलबट्टे पर पीस दिया है, पीस कर उसे धुल दिया है, तो धुलने से क्या है, कहीं कहीं तो वो केसरिया रंग रह गया है, कहीं कहीं वो काली सिल दिख रही है, तो उस समय आसमान में जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं तो गहरा काला रंग दिख रहा है, और जहां सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में उस जगह पर ऑरेंज कलर की यानी केसरिया रंग की कुछ लाइनें दिखने लग जाती हैं। तो उसको यहाँ कवि ने किससे जोड़ा है, काली सिल से और केसर से जोड़ा है। अगला उदाहरण देखेंगे, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने। दूसरा उदाहरण यहाँ, ये भी गांव की गतिशील सुबह को दिखाने वाला है। स्लेट, स्लेट जो कि काले रंग की होती है, छोटे बच्चे जिस स्लेट पर लिखते हैं वो काले रंग की होती है, और कवि कल्पना करते हैं कि काली सिल पर छोटे बच्चों ने लाल खड़िया चौक ली हो और उस पर उसे मल दिया हो, रगड़ दिया हो। बच्चा बड़ा होगा तो वो लिखेगा, और छोटा बच्चा है अभी शुरुआत है उसको लिखना नहीं आता है, लेकिन पढ़ने का शौक छोटे बच्चों को भी होता है, तो स्लेट लेता है उस पर चौक को रगड़ देता है, तो रगड़ने पर क्या होगा,
स्लेट तो काली दिखेगी पर उस पर कहीं कहीं जो चौक मली है कहीं सफेद और कहीं लाल रंग की दिखेगी, तो ठीक उसी तरह का आसमान का रंग इस समय दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है बेटा। अब मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूं, जब जड़ वस्तुओं पर चेतनता का आरोप किया जाता है, यानी प्रकृति की जो जड़ चीजें हैं उनको मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है या मनुष्य से उनकी तुलना की जाती है, मनुष्य जैसा उन्हें दिखाया जाता है, मानव जैसा दिखाया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहां देखिए, नील जल में या किसी की, नील जल यानी नीला जल, नीला जल है उसमें किसी की गौर झिलमिल देह, गोरी झिलमिल देह, देह यानी होता है शरीर, जैसे हिल रही हो। तो यहां जो नीला जल है वो तो आसमान है, आकाश है, और जो गौर झिलमिल देह है वो सूर्य है। तो जब सूर्योदय हो रहा है, आसमान एकदम नीला है, उसमें से सूर्योदय होता हुआ निकलता हुआ जब दिखाई दे रहा है, ये सूरज है, इसमें ये सूरज की किरणें हैं, और जो आसमान है वो तो है नीले रंग का, और सूरज की जो रोशनी है उसमें एक झिलमिलाहट है, एक चमक है। तो यहां कवि ने क्या कल्पना की है कि ये जो सूरज है, सूर्योदय हो रहा है, ये एक युवती है जिसके शरीर में एक चमक है, और वो नीले पानी से यानी तालाब से नहाकर निकल रही है, और उसकी देह की चमक चारों तरफ फैल रही है। ये कवि की कल्पना है। साथ ही वो कहते हैं नील जल में यानी नीले आसमान में से सूर्योदय निकलता हुआ दिख रहा है, सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है, तो कवि ने उसको एक युवती के, एक नायिका के रूप में देखा है कि ऐसा लगता है जैसे गौर वर्ण की युवती है, गोरे रंग की युवती है, उसके शरीर में एक चमक है, एक आभा है, और वो नीले जल से नहाकर बाहर निकल रही है, और उसकी झिलमिलाती देह की जो चमक है पानी में झिलमिलाती हुई दिख रही है, क्योंकि पानी से जब निकल रही है तो पानी हिलेगा, और हिलेगा तो उसके जो शरीर का रिफ्लेक्शन है, वो जो लहरें, पानी हिल रहा है उन लहरों में वो भी लहराता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है। अब मैंने आपको कहा था कि गांव की गतिशील सुबह से इसे जोड़ा है, तो देखिए सुबह से इसको शुरुआत से देखेंगे तो पता चलेगा आपको। सबसे पहले उन्होंने शंख का चित्रण किया है, तो गांव में जो लोग उठते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, उनकी शुरुआत मंदिर में बजने वाले शंख से होती है। जैसे ही मंदिर में शंख बजता है लोग बिस्तर छोड़ देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उसके बाद बताया है राख से लीपा हुआ चौका, यानी महिलाएं सुबह खाना बनाने से पहले, सबसे पहले उठते ही उनका काम होता है कि सबसे पहले जो रसोई का स्थान होता है उस पर वो सफ़ेद रंग की जो मिट्टी होती है, राख होती है जिसे खड़िया कहते हैं, उससे चूल्हे पर और चूल्हे के आसपास के क्षेत्र पर पुताई करती हैं, उसको चौका कहते हैं। तो वो अपने रसोई के क्षेत्र पर चौका देती हैं, चौके के बाद वो खाना बनाना शुरू करेंगी, तो मसाला पीसेंगी, इसके लिए काली सिल का प्रयोग यहाँ किया है, यानी खाना बनाती हैं। उसके बाद उनके नन्हे बच्चे भी उठ जाते हैं और नन्हे बच्चे उठ करके अपना पढ़ने लिखने का काम शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो स्त्रियां घर के कामों से फ्री होकर के नहाने चली जाती हैं। तो ये गांव की गतिशील सुबह है, यानी गतिशीलता है इसमें, जो बिंब है वो गतिशील बिंब है, यानी एक के बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आसमान में जो परिवर्तन है वो भी एक के बाद एक हो रहा है, जैसे कोई जादू हो रहा हो। आसमान में कैसे लग रहा है, जादू की तरह एक के बाद एक परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए अंत में क्या कहते हैं कवि, और डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, यानी और क्या कहना चाहते हैं वो, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। फिर कवि अंत में कहते हैं कि ये जो अभी जादू की तरह एक के बाद एक परिवर्तन आसमान में दिखाई दे रहे थे, उषा काल में दिखाई दे रहे थे, वो टूटते हैं अर्थात खत्म होते हैं, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। और आप जानते हैं सूर्योदय होने के बाद चारों तरफ सूर्य की चमक फैल जाती है, जिससे आसमान में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। तो यह थी कविता उषा। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, किसी को इसकी ज़रूरत है उसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।